गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस वेपर प्रेशर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, इसके अंदर है वेपर प्रेशर। देखिए क्या होता है वेपर प्रेशर, 9th, 10th, 11th क्लास के अंदर भी आया था ये, कुछ आपको इसको प्रीवियस नॉलेज भी जरूर होगा। सपोज स्टूडेंट्स मेरे पास एक ये बीकर कंटेनर कुछ भी कह लीजिए ये है, और इसके अंदर मेरे पास कोई भी सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट वाटर है सपोज, ठीक है ये वाटर है मेरे पास इसमें, और ये जो कंटेनर है इसको मैंने ऊपर से क्लोज कर दिया बेल जार, ठीक है। अब स्टूडेंट ये जो अपर सरफेस है यहां पे मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी जो सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स इनमें से कुछ एक मॉलिक्यूल्स जो होंगे दे आर हाईली एनर्जेटिक, कुछ एक मॉलिक्यूल्स इसमें एनर्जेटिक होंगे, और जो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस, वो सरफेस को छोड़ के ऊपर वेपर फेज में चले जाएंगे। सपोज ये मॉलिक्यूल हाईली एनर्जेटिक है तो ये इस वेपर इस सरफेस को छोड़ के, इस लिक्विड सरफेस को छोड़ के ऊपर वेपर स्टेट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये मॉलिक्यूल ऊपर गया प्रोसेस इज नोन एज एवापोरेशन, ये प्रोसेस का नाम एवापोरेशन है, छोटी क्लासेस में आपने इसको पढ़ा है, दिस इज एवापोरेशन, ठीक है। ऊपर ये मॉलिक्यूल वेपर स्टेट के अंदर चला गया, इस कंटेनर में रहेगा, इससे बाहर नहीं भागेगा, एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर से ये मैंने इसको बंद कर रखा है, क्लोज कर रखा है। तो शुरू में केवल एवापोरेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, सिर्फ एवापोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन बिल्कुल नहीं हो रहा। उसके बाद क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल गया ये ऊपर इस वॉल को स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करके वापस आएगा, और वापस नीचे आके इस लिक्विड के अंदर, इस सॉल्वेंट ए जो आपने ले रखा था, कोई भी वाटर वगैरह कोई भी जो सॉल्वेंट आपने लिया था, इसमें ये फिर से मिल जाएगा। द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, दिस इज रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन क्या है, मॉलिक्यूल्स ऊपर गए, ऊपर जाके मॉलिक्यूल भी सभी ऊपर नहीं जाएंगे, जो इसमें कुछ एक मॉलिक्यूल जो हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैं दे विल एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस, वही सरफेस को छोड़ेंगे और ऊपर वेपर स्टेट में आ गए, इस प्रोसेस को आपने एवापोरेशन कहा। ऊपर जाके ऊपर से ये कंटेनर क्लोज है, इसको स्ट्राइक किया वॉल को, वॉल को स्ट्राइक करके नीचे आए, और इसमें सॉल्वेंट में फिर से वे आपके आके मिल गए। तो इस प्रोसेस को हमने कहा कंडेंसेशन, शुरू में सिर्फ एवापोरेशन हो रहा था, कंडेंसेशन नहीं हो रहा था। एक स्टेज ऐसी आएगी जितना मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है उतना ही मॉलिक्यूल वापस नीचे आ रहा है, और उस समय एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे, और थोड़े समय में ही दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम आने के बाद, जब इक्विलिब्रियम इन दोनों में आ गया है, इक्विलिब्रियम आने के बाद जो ये मॉलिक्यूल्स ऊपर गए थे आपके वेपर फेज के अंदर, जो ये ऊपर गए थे सपोज चार मॉलिक्यूल्स गए, अब ये वापस नीचे आ रहे हैं और इसके साथ वापस इसके साथ मिल रहे हैं। अब जिस प्रेशर के साथ ये इसके अंदर मिल रहे हैं उस प्रेशर को ही बोलते हैं वेपर प्रेशर, या आप यूं कहिए कि ये जो वेपर स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स गए थे ये एक प्रेशर इसके ऊपर डाल रहे हैं, वापस इसके अंदर मिल रहे हैं, और जिस प्रेशर से इसको स्ट्राइक कर रहे हैं वो प्रेशर ही वेपर प्रेशर है। या कई किताबों में ऐसा भी नहीं लिख रखा, कई किताबों में केवल इतना लिख रखा है ये जो मॉलिक्यूल्स ऊपर गए वेपर स्टेट में गए, और वेपर स्टेट में जाने के कारण इन मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है गैसीय स्टेट में, और गैस का क्या होता है प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर, तो इन मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है उस प्रेशर को ही क्या कह दिया गया है वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर की क्या डेफिनेशन हो गई, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन, द प्रेशर exerted by molecules over liquid surface in equilibrium, ठीक है। तो ध्यान रखिए इक्विलिब्रियम आपका आएगा, और इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब आपका क्लोज कंटेनर है, ठीक है, ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने वेपर प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी, अब मैं डिस्कस करूंगा What is effect of addition of solute to the solvent? अगर मैं solvent के अंदर solute मिला दूं तो vapor pressure पे क्या effect होगा, ठीक है। और जो solute है आपका वो suppose non-volatile है, this is non-volatile,
नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वोलेटाइल क्या होता है स्टूडेंट्स, जो उड़ जाए। आप यहां पे एक बीकर के अंदर या किसी वेसल के अंदर पेट्रोल रखिए, थोड़ी देर में आप देखेंगे पेट्रोल ऊपर उड़ गया, जो उड़ गया वो वोलेटाइल है और जो ना उड़े वो नॉन वोलेटाइल है। तो जो उड़ गया वोलेटाइल है, वेपर स्टेट में आ गया, उसके वेपर्स होंगे और वेपर हैं तो वेपर्स के कारण उसका वेपर प्रेशर भी होगा। जो नॉन वोलेटाइल है, उड़ा ही नहीं, वेपर स्टेट में गया ही नहीं, तो उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो सोल्यूट में जो ले रहा हूं नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी आपको पता होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन टू देयर आयंस, जो अपने आयंस में पूरे टूट जाते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे ये NaCl है, इलेक्ट्रोलाइट है। और जो अपने आयंस में विच आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन टू देयर आयंस, वो आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो मोस्टली जो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं ये होते हैं, यूरिया होता है इसके अंदर, शुगर होती है इसके अंदर, ग्लूकोज वगैरह इसके अंदर आते हैं। सो दीज आर नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो अब हम स्टूडेंट ये डिस्कस करेंगे, अगर ये जो सॉल्वेंट आपने लिया था, इस सॉल्वेंट में अगर मैं सॉल्यूट मिला देता हूँ तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ आपके पास सॉल्वेंट था, इसको सॉल्वेंट ए मान लेते हैं हम। वाटर था आपको, वाटर को आपने सॉल्वेंट ए लिख लिया, ठीक है। ये सॉल्वेंट ए था मेरे पास और इसका वेपर प्रेशर था। इसके वेपर प्रेशर जो था, इसके अंदर चार मॉलिक्यूल्स ऊपर गए थे इस सरफेस को छोड़ के, इन चार मॉलिक्यूल्स के कारण जो प्रेशर था वही इसका वेपर प्रेशर था। अब देखिए फिर से ड्रॉ करते हैं इसी को। ये आपके पास पहले की तरह सॉल्वेंट ए था, ठीक है, दिस इज सॉल्वेंट ए, और आपने इसको कवर कर दिया बेल जार, ठीक है, बेल जार आपने कवर कर दिया। फिर से आपने कंटेनर को ऊपर से क्लोज कर दिया है, ओपन नहीं है, जो वेपर्स हैं एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब पहले की तरह ये मॉलिक्यूल्स आपके जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, इसके अंदर अपर सरफेस पे ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। पहले वेपर स्टेट में जब आपने सॉल्यूट नहीं मिलाया था, केवल चार मॉलिक्यूल्स ऊपर गए थे, ठीक है। अब आपने इसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया, ये आपने इसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया, और सॉल्यूट आपने जो डाला वो नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सपोज आपने इसके अंदर सॉल्यूट ग्लूकोज डाल दिया, ठीक है, ग्लूकोस आपने सॉल्यूट डाल दिया। तो देखिए ये सॉल्वेंट ए के मॉलिक्यूल्स थे। अब जैसे ही आपने सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूट के जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स थे इनके इन बिटवीन आ गए, ये इन बिटवीन आ गए, ठीक है। और ये आपके पास पहले की तरह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे ये। अब आप देखिए सॉल्यूट डालते ही जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स थे, इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के यहां इन बिटवीन आ गए हैं, और इन बिटवीन आ गए तो ये अपर सरफेस ब्लॉक हो गया। ध्यान रखिए स्टूडेंट, वेपर प्रेशर सरफेस फेनोमेना, अपर सरफेस ब्लॉक हो गया, अपर सरफेस ब्लॉक हो गया। तो अब ये कोई जो नीचे का मॉलिक्यूल्स था, चाहे बेसिक वो एनर्जेटिक हो, वो एस्केप नहीं कर पाएगा, या ये मॉलिक्यूल भी ऊपर एस्केप नहीं कर पाएगा। और अगर कोई बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल अगर वो एस्केप कर भी गया तो भी कितना, पहले आपके पास चार मॉलिक्यूल से मान लीजिए कोई एक दो मॉलिक्यूल चला भी गया तो भी वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा, कि पहले आपके पास चार मॉलिक्यूल्स आए थे यहां पर वेपर स्टेट में और अब केवल एक ही मॉलिक्यूल आया, ठीक है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। सो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय द एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू इट। अगर मैं सॉल्वेंट के अंदर, इस सॉल्वेंट के अंदर अगर मैं सॉल्यूट मिक्स कर देता हूं तो इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आप यूं भी कह सकते हैं सॉल्वेंट के अंदर मैंने सॉल्यूट मिक्स कर दिया, और अगर सॉल्वेंट के अंदर मैंने सॉल्यूट मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया, ये आपके पास सॉल्यूशन बन गया, और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है। तो मैं यूं कह सकता हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट से हमेशा कम होता है, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट वेपर प्रेशर।